excuse me, Kamala. Now what happened? क्या हुआ? झूठ कहे तो कहो। अरे पूजा की जगह है। आप लोग ना अपना चप्पल जूता ना बाहर उतार कर आइए। और अगर कोई चुरा के ले गया तो? अरे चोरी हो गया तो कहा हो गया। इसे भी चाची जी झूठ कहे तो कहो, आपको कोनो चीज का कमी थोड़ी ना है, नहीं खरीद लीजिएगा। ठीक तो कह रहे दादा, हम काहे आप लोगों से मुंह लगा रहे हैं, हमको बहुत सारा काम है, हम जा रहे हैं। OMG, बड़े जंगली गवार लोग हैं यार, पता नहीं कैसे कैसे बिहेव कर रहे हैं, कितने चीप लोग हैं। लिली किसने रिश्ता ढूंढा ये? I'm so sorry, darling. ये सब शिव की अरेंजमेंट्स है, you know, आजकल के बच्चे कैसे होते हैं, can't help it. Please. ये शिव की पसंद है? क्या कहना? पर लिली स्टैंडर्ड भी कोई चीज होती है ना यार, ये I do understand. Let it be. Chill, baby. हम लोग enjoy करते हैं ना, इतने दिनों के बाद मिले, चलो हम लोग chill मारते हैं। फूफा जी, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या, गुलाब जामुन वगैरह? नहीं, कहे का गुलाब जामुन? सुनिए, टेस्ट करना है ना तो वहाँ चले जाइए, वहाँ एक से एक स्वादिष्ट व्यंजन बने हैं, जाइए जाइए। उधर बाटी चोखा और बुनिया भी है। अरे बाटी चोखा और बुनिया सब कुछ बने हैं। आप ऐसा कीजिए कि आप सीधा आगे जाइए, आगे जाके बाएं पर 3 काउंटर मिलेंगे, उस काउंटर में रायते का काउंटर है, आप रायता मत खाइएगा। उसके आगे जाएंगे ना तो दाएं छोड़कर बाएं जाकर फिर 2-3 काउंटर निकलेंगे, पहला काउंटर छोड़कर दूसरे में गर्मा गर्म बाटी चोखा बन रहा है देशी घी में डूबा हुआ, और उसके बगल में ना वहाँ पर बुनिया भी बन रही है, उसके बगल में काउंटर और है, उसको छोड़ दीजिएगा और 2 कदम आगे जाएंगे तो दाएं हाथ पर एक काउंटर और है, वहाँ पर आइसक्रीम मिलेगी, वेनिला, स्ट्रॉबेरी, सब कुछ, और उसके बगल में आपको मिलेगा गाजर का हलवा, जाइए जाइए छक्कर खाइएगा। सुनिए, दबा कर खाइए, हमारे पास हाजमे की गोली भी है, जाइए जाइए। बेटा फूफा के साथ मजाक कर रहा है। क्या बात करते हैं फूफा जी, जाइए जाइए। अरे नमस्ते। OMG, OMG, ऐसा लग रहा है मुंबई में नहीं सोमालिया में खड़े हैं, खाने के लिए इतना हंगामा। OMG, can't help it, I can't stand this. लिली, ये कुल्फी ट्राई की तुमने? बहुत क्लासिक है, आप भी खाइएगा। ओपी, what's wrong with you? Keep it away. आप लोग यहाँ खाए खड़े हैं, चलिए जयमाला का बखत होए वाला है। हाँ, चलिए ना, कम। अबे ध्यान कहाँ था तेरा, जूते चोरी हो गए मेरे यार। अबे तू तो ऐसे कह रहा जैसे जैसे मैंने तुम्हारे जूते चुराए। तो ध्यान तो रख सकता था ना कि नहीं? तेरे को लड़ाई करनी है तो मैं खाना खाने जा रहा हूँ। अरे रुक ना यार, शादी पहली बार हो रही है मेरी, छोड़ के जाएगा क्या ऐसे? पॉइंट है। वचन बता दो, करवा देते हैं खाने का इंतजाम। अरे वो तो 7 फेरे के बाद ही बताऊंगा। प्लीज ना यार शिव, मुझे प्यार नहीं करते। इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगा, अच्छे बच्चों। हमारे देखकर अरे आइए तो सही। अभी बताते हैं। रुकिए जनाब, आज रात का खाना हम साथ में खाएंगे। आंधियां तो बहुत आई मगर हम चलते रहे चलते रहे। वक्त ने चाहे जो करवट ली, एक दूजे के रंग में ढलते रहे। इंतजार के लम्हे बीते, तड़प में भी मीठे सपने पलते रहे। आज फिर मैं तेरे सामने, तू मेरे सामने,
जमाने वाले जलते रहे। ये जयमाला तब तक नहीं हो सकती जब तक कि मेरे जूते नहीं मिल जाते। तो पैसे दो और जूते लो। हाँ, जूते दो और पैसे लो। हाँ हाँ, अरे रसम में कुछ ऐसी है, हिफाजत नहीं कर पाए तो निकालो पैसा। OMG शिव डार्लिंग, ये क्या हो रहा है? कैसी फैमिली है, हर बात में पैसे पैसे पैसे, बाहर पैसे मांगे, यहाँ पैसे मांगे, कहीं शादी के बाद फिर से पैसे तो नहीं मांगेंगे? अच्छा, अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो फिर जयमाला भी नहीं होगी। चलो गौरी। अरे रुको रुको यार, पैसों की वजह से गौरी को लेके मत जाए। अच्छा देता हूँ पैसे। कंजूस। शिव बेटा झुकना मत, वरना जिंदगी भर झुके रहोगे। गौरी हाथ उठाकर पहना देना, पर झुकना मत। हाँ। पहले शादी के साथ वचन हो जाने दो, उसके बाद बताऊंगा मैं अपने दो वचन। ये भगवान, कहीं से दहेज तो नहीं मांगने वाला? कौन सा है वो दो वचन? झूठ कहे तो कहो। अरे ये कौन सी रस्म हुई, पलक झपकी नहीं कि ये दोनों मियां बीबी बन गए? एक्सक्यूज मी कमला, ये तुम्हारे नॉलेज से बहुत दूर है। This is world famous first class wedding, classy wedding, you know. इस स्वयंवर तो अपने देश की बहुत पुरानी परंपरा है। चलो गौरी, असली ब्याह ना तो अब होगा, हाँ, अग्नि के सामने। बस याद रखना गौरी, ये दो वचन तुम्हारी लाइफ बदल देंगे। आजा। ओके लिली डार्लिंग, बैठते हैं। अरे रुकिए रुकिए, आप लोग ना बैठ नहीं सकते हैं। कमला, अब क्या हुआ? जब तक आप लोग ना हमारी पहेलियों का सही सही जवाब नहीं देंगे ना, तब तक आप लोग बैठ नहीं सकते हैं। जी हाँ, कमला रानी बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसा क्यों? अरे ऐसा का, अरे हमारे यहाँ का रसम है, निभाना तो पड़ेगा ही। OMG, not again. ठीक है ठीक है, पूछ लीजिए। छोटी है पर नाग नहीं, बल खाती है पर डोर नहीं, बताओ का? भागा? Yes. अरे नहीं, चोटी। अच्छा चलो दूसरा, आना भी खराब और जाना भी खराब। औरत। पोपी। चाचा जी, अरे औरत के अलावा भी ना कुछ और सोच लीजिए। अरे आंख। लिली की। शिव, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। वेलकम। अच्छा शिव, सही सही बताओ ना कि तुम कौन से दो वचन मांगने वाले हो? घबराओ मत, तुम्हारी सहेली फिर कभी मुझसे पंगा नहीं लेगी। शिव, तुम डरा रहे हो क्या? डर के आगे जीत है। अरे भाई, मंडप रेडी है, फेरे नहीं लेने क्या? फेरे भी होंगे, मंगलसूत्र भी पहनाऊंगा और वचन भी होंगे, लेकिन उससे पहले गौरी को मेरे दो वचन पूरे करने होंगे। समझे कुछ? चलो ठीक है, एक चांस और दे दो। चलिए ठीक है, एक चांस ना और दिए, पर इस बार ना मुहावरा अधूरा रहेगा, आप लोग को ना मुहावरा पूरा करना है। OMG OP, that's so gouty and unpractical, you know. झूठ कहे तो कहो चाची, क्या करे, ये रसम है, निभाना तो पड़ेगा ही। अच्छा चलिए, नाच ना आवे पर काटेढ़ा आंगन। दूसरा, सांप भी मर जाए पर काना टूटे लाठी। चलो तीसरा, हाँ तू शेर
तो हम तो मैं सवा शेर। ये पास। अब आगे बढ़े कमला। गौरी आगे आ जाओ बेटा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं जोगी विदानगम्यं निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। झूठ बोले ला रे साला, झूठ बोले ला समधनिया के बेलना, झूठ बोले ला समधनिया की मूंछ जैसे कुकुर की पूंछ साला, झूठ बोले ला समधनिया के दोस्त जैसे सूखे सूखे टोस्ट साला, झूठ बोले ला। ओ माय गुडनेस लिली, हम यहाँ शिव की शादी करवाने आए हैं या गालियां खाने आए हैं? अरे गवारों वाली शादी पहली बार देखी मुंबई, सो चीप। चलो। अरे आंटी प्लीज रुक जाइए, इस बार अगर शादी नहीं हो पाई ना तो दोष पाली हिल वालियों का ही होगा। अब शादी हो जाने दीजिए, आशीर्वाद दिए बिना आप लोगों को मैं जाने नहीं दूंगा यहाँ से। अरे पहले उन्हें तो रोको, रुका के और हाथ हिला हिला के नाच नाच के हमारी इंसल्ट कर रहे हैं भाई। ओके शिव डार्लिंग, तो एक काम करो ना, जो गाना गा रहे हैं उन्हें प्लीज स्टॉप करवा दो। हाँ हाँ सब रुक जाएंगे। हाँ अब बस एक बार शादी हो जाने दीजिए, तब तक कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ शिव और गौरी फेरे लेंगे। हम रस्में गाली के लिए माफी चाहते हैं। एंड फ्रेंड्स, कोई कहीं नहीं जाएगा, अगर हमारी बैंड बजी है तो हम यहीं रुकेंगे और उनकी बैंड बजाएंगे। ओके यस। उसकी रस्म की माफी भी हो जाएगी, आप बस एक बार फेरे हो जाने दीजिए प्लीज। ओके।